गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. सो टुडे वी आर सपोज टू कंप्लीट फाइनल अकाउंट्स. वी हैड प्रैक्टिस यस्टरडे. वी अंडरस्टूड इन जनरल द बेस फॉर फाइनल अकाउंट्स एंड वी डिड सम प्रैक्टिस एग्जाम प्रॉब्लम्स वी सॉल्व्ड व्हिच केम ऑन फाइनल अकाउंट्स. नाउ द पेंडिंग पार्ट इज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का पार्ट पेंडिंग है. लिखो हेडिंग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एग्जैक्टली क्या होता है, क्यों बनाते हैं, एक जनरल आइडिया ले लेते हैं एंड देन इसके ऊपर के प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे. इन केस ऑफ ट्रेडर वी कैन डायरेक्टली हैव ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट. द रीजन बीइंग इन केस ऑफ ट्रेडर और इन केस ऑफ ट्रेडिंग बिजनेस वी डू नॉट मैन्युफैक्चर एनीथिंग. मैन्युफैक्चरिंग कुछ नहीं होता एंड बिकॉज देर इज नो मैन्युफैक्चरिंग देर इज नो क्वेश्चन ऑफ calculating cost of production of goods. For a trader, cost is whatever cost he is paying for buying the goods. अगर मैं trader हूँ और ये pens का मैं trader हूँ तो मैं क्या करता हूँ, ये pens ready-made खरीदता हूँ और फिर resell करता हूँ मेरा profit जोड़ के उसमें. मैं अगर trader हूँ तो मेरे लिए cost of production बोल तो क्या, production तो है ही नहीं मेरे लिए, तो cost of purchase या cost of acquisition ही cost होता है. अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती ना. And therefore, there is no need to prepare manufacturing account for a trader as such. But when we talk about a manufacturer, a producer, he is converting the raw materials into finished goods. Then in that process, as we studied in inventory topic, raw material, stores and consumables, then there will be intermediary stage of WIP, work in progress, and then finished goods. So, होता ऐसे कि एक प्रोसेस में से रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है. तो ये प्रोसेस का कॉस्ट है ना, कोई चीज़ फ्री में तो होती नहीं, राइट. और हम लोगों ने इकोनॉमिक्स में भी सीखा हुआ है कि यूटिलिटी इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. तो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स के कन्वर्जन के प्रोसेस में हम लोगों को कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है. तो कॉस्ट ढूंढने के लिए एक सेपरेट अकाउंट बनाया जाता है जिसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. द इंटेंशन ऑफ प्रिपेयरिंग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज प्योरली टू अराइव एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेपरेटली. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेपरेटली ढूंढने के लिए बनाया गया अकाउंट. वैसे देखा जाए तो फिर वैसे थोड़ा सा और उसको सिंपल तरीके से देखना है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को, तो मैं उसको और सिंपल कर सकता हूं. ट्रेडिंग अकाउंट को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं. आई एम डिवाइडिंग ट्रेडिंग अकाउंट इन टू पार्ट्स. देखो अदरवाइज मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस अभी तक तुमने कहाँ लिए, अगर दिए भी थे प्रॉब्लम है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ट्रेडिंग अकाउंट में. तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट को दो हिस्सों में बांट रहा हूँ कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ढूंढने के लिए एक अलग अकाउंट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा, फिर वो ले आएंगे हम ट्रेडिंग अकाउंट में. फिनिश्ड गुड्स का जो ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक होता है, फिनिश्ड गुड्स सारे ट्रेडिंग अकाउंट में ही आएंगे, लेकिन रॉ मटेरियल, स्टोर्स एंड कंज्यूमेबल्स, WIP, ये सब कहाँ कंसिडर होंगे, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में. जो भी डायरेक्ट कॉस्ट इनकर हो रही है ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, ऑन मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, ऑल दोज कॉस्ट विल बी कंसिडर्ड इन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एंड वी विल हैव अ सेपरेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. वी विल बी अराइविंग एट, वी विल बी असर्टेनिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेपरेटली इन दैट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. एंड उस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, बाकी पूरी प्रोसीजर सेम. फिर ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करके जीपी आएगा, जीपी से एनपी में जाएंगे पी एंड एल अकाउंट में, राइट. तो एक चीज ध्यान में लो कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में कॉस्ट ढूंढना है तो सेल ऑफ गुड्स वहां नहीं आने वाला है. सेल ऑफ गुड्स इट इज नॉट गोइंग टू अपियर इन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. लेकिन अगर सेल ऑफ स्क्रैप आया, स्क्रैप बेचा,
तो स्क्रैप बेचा है तो बेटा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का वैसे देखा जाए तो एक तरीके से रिकवरी है ना। तुमने जो रॉ मटेरियल कंज्यूम किया या तुमने जो प्रोसेस की प्रोडक्शन की मैन्युफैक्चर की वो प्रोसेस में कुछ स्क्रैप निकला तो स्क्रैप बोल के बेचा तो इट इज रिकवरी ऑफ योर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। उतने से तुम्हारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाना चाहिए ना। समझो 1,00,000 रुपए का मैंने रॉ मटेरियल का कंजम्पशन किया है, 1,00,000 रुपए का रॉ मटेरियल कंज्यूम किया मैंने प्रोडक्शन प्रोसेस में, और ये प्रोसेस में कुछ स्क्रैप निकला और वो स्क्रैप लेट्स से जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल मैंने 2,000 रुपए में बेच दिया स्क्रैप, तो ये स्क्रैप जो है ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का ही आउटपुट था ना। तो जो 1,00,000 रुपए का रॉ मटेरियल का कंजम्पशन का कॉस्ट लगा है उसकी एज गुड एज वो रिकवरी है। तुम्हारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना बोलेंगे अपन? वेरी गुड, कितना? 98,000 बोलेंगे। इसका मतलब सेल ऑफ स्क्रैप कहां आएगा? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के क्रेडिट में आएगा। अभी जब प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा तो ध्यान में आएगा कि बहुत सिंपल है, इट इज वेरी वेरी इजी। जस्ट तुमको एक आइडिया दे रहा हूं, मैं कंसेप्चुअली समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्या होता है। नॉर्मली क्या है ना, प्रैक्टिकली हम लोग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते नहीं है नॉर्मल कोर्स ऑफ अपने एकेडमिक प्रॉब्लम्स में हो रही है। मुझे नहीं लगता 11th 12th में भी कहीं पे भी कोई मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हमने बनाया था, भले ही फाइनल अकाउंट्स का टॉपिक था, बट अभी अपने सिलेबस में वो है और उसके ऊपर क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं, तो ये कंसेप्ट समझना जरूरी है। टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू, रियल लाइफ में भी जो कुछ मैंने थोड़ा बहुत काम किया है जब मैं प्रैक्टिस में था या मैंने आर्टिकलशिप में जो देखा, तो ऐसा मैंने कभी सेपरेट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना हुआ देखा नहीं। लेकिन हो सकता है कि जहां पे बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है मे बी दे आर मेंटेनिंग इट, बट इवन जो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलते हैं, बोलते फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या आना चाहिए, तो उसमें बेटा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कहीं नहीं है। मतलब आईसीआई ने भी जो डिफाइन किया है उसमें आईसीआई ने ये डिफाइन किया हुआ है कि जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब फाइनल अकाउंट्स। तो जनरल पर्पस फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या आता है, तो वहां पे उन्होंने लिखा हुआ है प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब वहां तो ट्रेडिंग अकाउंट भी रेफर नहीं हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देन बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है उसमें, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो हम इंटरमीडिएट में सीखेंगे, दैट वी विल बी स्टडिंग इन इंटरमीडिएट, ठीक है। बट एनीवे अभी अपने सिलेबस का पार्ट है तो अपने को समझना है। सो व्हाई डू वी प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट? वी प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट टू अराइव एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, राइट? एंड देन व्हाट एवर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वी वर्क आउट दैट इज ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। लिखो, हेडिंग लिखा ना मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, अंडर दैट राइट डाउन इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स, इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स कॉमा अलोंग विथ ट्रेडिशनल फाइनल अकाउंट्स, along with traditional final accounts, a separate account is opened, called as मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, कॉल्ड एज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। फुल स्टॉप। द इंटेंशन, behind opening manufacturing account is to arrive at manufacturing cost
oblique cost of production of the goods. Cost of production of the goods, full stop. The full stop देखे लिखो, the cost of production is transferred from manufacturing account to trading account. Full stop. All direct costs incurred in the process of production are considered in manufacturing account. फुल स्टॉप. और एक पॉइंट क्लियर कर देता हूं, जब तक प्रॉब्लम में बोलते नहीं तब तक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना नहीं है अपने को. प्रॉब्लम में स्पेसिफिकली अगर बोला है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाओ तो ही बनाने का, नहीं तो आप गलत इंटरप्रेट मत कर लेना कि फाइनल अकाउंट्स का प्रॉब्लम है, सर ने बोला है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने का है. अगर बोला प्रॉब्लम में तो ही बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनेगा. अदरवाइज अपना ट्रेडिशनल ट्रेडिंग एंड पी एंड एल एंड बैलेंस शीट. एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं एक जनरल आइडिया लेने के लिए. वैसे ये प्रॉब्लम तो है ही मटेरियल में, एग्जाम में भी आए हुए सम से, तो वो भी सॉल्व करते हैं. पहले थर्ड सम देखो, थर्ड पेज नंबर 19, सम नंबर थर्ड. मिस्टर श्यामल रन्स अ फैक्ट्री विच प्रोड्यूसेस डिटर्जेंट्स. फॉलोइंग डिटेल्स वर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022. Opening WIP, closing WIP, opening inventory of raw material, closing inventory of raw material, purchases, higher charges of machinery at the rate of 0.70 per unit manufactured, higher charges of factory, direct wages contracted at the rate of 0.80 per unit manufactured and rupees 0.40 per unit of closing WIP, repairs and maintenance, units produced 5 lakhs. You are required to prepare a manufacturing account of Shamal for the year ended 31st March 2022. Likho problem number. थ्री पेज नंबर 19. प्रॉब्लम नंबर थ्री पेज नंबर 19. इन द बुक्स ऑफ श्यामल
manufacturing account. For the year ended March 31, 2022. एक इनर कॉलम यूनिट्स का बना दो, क्यों तो यूनिट्स दिए हुए प्रॉब्लम है, कितने यूनिट्स बने हैं क्या है. हाफ पेज पर्टिकुलर्स यूनिट्स रुपीज, पर्टिकुलर्स यूनिट्स रुपीज. Particulars, units, rupees. Particulars, units, rupees. Ready? What do you mean by opening WIP? Opening WIP का मतलब? Very good. Opening work in progress. Yes. Long form पूछा मैंने WIP. और भारी लोग हैं तुम लोग. Opening WIP बोलते क्या? Opening work in progress. अरे ढोकले लोगों, ओपनिंग WIP का मतलब साल के शुरुआत में जो आधे अधूरे गुड्स रेडी थे वो, तो वो इस साल कंप्लीट हो जाएंगे. yes. तो वो कॉस्ट इस साल के इसमें लेनी पड़ेगी ना अपने को. राइट. डेबिट साइड टू ओपनिंग WIP कितने अपने पास और कॉस्ट कितनी है? 26,000. वैसे क्लोजिंग WIP दिया हुआ है, तो ये साल के एंड में जो बच गए वो, तो वो रेडी हुए है क्या? तो इस साल के फिनिश्ड गुड्स में आने वाले है क्या? नहीं. तो उनका कॉस्ट इस साल में आना चाहिए क्या? तो फिर वो रिवर्स करना पड़ेगा. जैसे क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लेते, वैसे क्लोजिंग WIP मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के क्रेडिट में ले लेंगे, बिकॉज इट इज नॉट कॉस्ट फॉर द करंट ईयर. करंट ईयर का कॉस्ट नहीं है वो. बाय क्लोजिंग WIP कितने यूनिट्स है? 14,000. और कॉस्ट कितनी है? 48,000. कॉस्ट इज 48,000. देन ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल एंड परचेसेस दिए हुए. तो रॉ मटेरियल का कंजम्पशन ढूंढ सकते हैं हम. कैसे ढूंढेंगे कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो वो कंजम्पशन आ जाएगा. एंड जितने कंज्यूम हुए रॉ मटेरियल वो इस साल का कॉस्ट है. yes. तो डेबिट में आएगा. yes. तो
ढंग से लिखो, मैं जैसे लिख रहा हूं, टू कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल इनर कॉलम ओपनिंग स्टॉक कितना है, ओपनिंग स्टॉक सब दिया हुआ है प्रॉब्लम में, लुक एट द स्क्रीन कैसे लिखना है, 260,000 एड परचेसेस, कितने परचेस हुए, 8,20,000 सब टोटल 1080 लेस 3,00,000 बताओ कितना है, 3,00,000 सो अमाउंट कॉलम आउटर कॉलम, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, 7,60,000 आया आगे क्या कॉस्ट दिया और हायर चार्जेस ऑफ मशीनरी, हायर चार्जेस ऑफ मशीनरी कितना है, हायर चार्जेस ऑफ मशीनरी एट द रेट ऑफ 0.70 पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड, कितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर हुए दिया है प्रॉब्लम में, तो नेक्स्ट लाइन ब्रैकेट में कैलकुलेशन दिखा दो ना, 5,00,000 यूनिट्स इनटू रुपीज 0.70 बोलो 3,50,000 बराबर, और क्या है, हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री, वो कितने हैं, डायरेक्ट दिया है क्या अमाउंट, 2,60,000 देन डायरेक्ट वेजेस आई थिंक डिटेल से डायरेक्ट वेजेस के 0.80 पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड एंड 0.40 पर यूनिट ऑफ क्लोजिंग WIP, तो कितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर हुए, इनर कॉलम में कैलकुलेशन दिखा देते, 5,00,000 यूनिट्स इनटू रुपीज 0.0 सो इनर कॉलम 4,00,000 क्लोजिंग WIP कितना है, नहीं नहीं यूनिट्स कितने, सो 14,000 यूनिट्स इनटू 0.40 इट विल बी 5,600 सो ये टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, 4,05,600 और क्या है, रिपेयर्स मेंटेनेंस कितना है, 1,80,000 दिए हुए सारे डिटेल्स हमने रिकॉर्ड कर लिए, दिए हुए सारे कॉस्ट हमने कंसीडर कर लिए, और ऑब्वियसली रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस जो दिया है अभी यह यहां अगर दिया है और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने को बोला है तो अजम्पशन यही होता है कि दैट इज ऑफ मशीनरी, जो भी प्रोडक्शन की प्रोसेस है उसी में रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का एक्सपेंस हुआ हुआ है,
credit side by cost of production transferred to ट्रेडिंग अकाउंट। कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए? 5 लाख। तो यूनिट्स कॉलम 5 लाख, अमाउंट कॉलम एस्ट्रिस मार्क बैलेंसिंग फिगर। लगा दो टोटल कितना है बेटा? 19,81,600 टोटल, और बैलेंसिंग फिगर 19 लाख। अब मेरे को बताओ कि अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं बनाता तो ये सारे कॉस्ट कहाँ आने वाले थे मेरे? ट्रेडिंग अकाउंट में। इट वुड हैव बीन पार्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। अब क्या होगा, अब ट्रेडिंग अकाउंट में ये सारे डिटेल्स अब फिर से लेने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली मैं क्या करूंगा, ट्रेडिंग के डेबिट में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो हमने ढूंढा ये डायरेक्टली मैं ट्रेडिंग अकाउंट में ले लूंगा। कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का पर्पस समझ में आया? ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है ना कि हम सेल ऑफ गुड्स भी लेते हैं, उसमें जीपी भी ढूंढते हैं, राइट, और ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स भी आ जाता है। तो ड्यूरिंग द ईयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हुआ वो नहीं निकलता ना, वो निकालना भी है तो फिर अलग वर्किंग करके निकालना पड़ेगा, राइट। तो फिर अलग वर्किंग करके निकालना है तो क्यों ना बेटर है कि फिर ये अकाउंट बनाए, इसलिए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। एनी प्रॉब्लम? इज दिस क्लियर? पक्का? प्रॉब्लम नंबर एट दिसंबर 2021 फॉर 15 मार्क्स द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड। पंद्रह मार्क के लिए आया हुआ क्वेश्चन है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट है, पीएनएल अकाउंट है, तीनों भी बनाने को बोले हैं। ऑन 31 मार्च 2021 द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर ब्लैक वाज एज फॉलोज। स्टॉक ऑन 1/4/2020, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स, सन्ड्री डेटर्स, कैरेज ऑन परचेसेस, बिल्स रिसीवेबल, वेजेस, सैलरीज, टेलीफोन एंड पोस्टेज, रिपेयर्स टू ऑफिस फर्नीचर, कैश एट बैंक, ऑफिस फर्नीचर, रिपेयर्स टू प्लांट, परचेसेस, प्लांट एंड मशीनरी, रेंट, लाइटिंग, जनरल एक्सपेंसेस, संडे क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, सेल ऑफ स्क्रैप, कमीशन रिसीव्ड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कैपिटल अकाउंट, सेल्स, बैंक ओवरड्राफ्ट। द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। स्टॉक ऑन 31 मार्च 2021 वर रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, salaries and wages unpaid for the year ended 31st March 2021 were respectively 9,000 and 20,000. Machinery is to be depreciated by 10% and office furniture by 7.5%.
A provision for doubtful debts is to be maintained at 1% of sales. Rent is to be charged as to 3/4 to factory and 1/4 to office. Lighting is to be charged as 2/3 to factory, 1/3 to office. Prepare manufacturing account, trading account and P&L account for the year ended 31st March 2021. बाइफर्केट करना है दिए हुए ट्रायल बैलेंस को कि कौन सा आइटम कहाँ आएगा. अच्छा क्वेश्चन पूछा है इंस्टीट्यूट ने एग्जाम में. ऑनलाइन गाइड जम रहा है क्या, जग रहे क्या रे? प्रॉब्लम नंबर 8 पेज नंबर 22. ऊपर आने जगह बैठ बैठ. पुराना किस्सा याद आ गया आज. 2012 में 10-11 साल पहले ग्रुप टू का इंटरमीडिएट के ग्रुप टू का एडवांस्ड अकाउंट का बैच एंड क्लासरूम की साइज थी 400 बच्चों की, 400 स्टूडेंट्स. मैं बाहर गांव गया था तिरुपति बालाजी और मैं बाहर था तब तक वो बैच फुल हो गया और मैंने बोला था कि एक ही बैच लेनी है. बट फ्लो इतना था बच्चों का कि मैं था नहीं तब तक मेरे पीठ पीछे दूसरी बैच डिक्लेयर कर दी गई मेरे को बिना पूछे, क्यों तो मालूम था कि मैं सेकेंड बैच को मना करूंगा. मैं बोला था कि नहीं एक ही बैच पढ़ाने का, मेरे को एडमिशन नहीं मिलते तो क्लोज कर दो. बट अभी इतना फ्लो था तो बाकी लोगों ने फिर डिसीजन लिया कि नहीं नहीं सर को बाद में बताएंगे, बैच ओपन कर देते एंड सेकेंड बैच डिक्लेयर कर दिए. एंड वो सेकेंड बैच में भी कुछ तो 150-200 एडमिशन, तो लगभग आधी स्ट्रेंथ, इधर 400 इधर वापस 150-200 के करीब एडमिशंस. अब आने के बाद जब बोला कि सर सेकेंड बैच ओपन किन उसमें इतने एडमिशन है, अब इतने एडमिशन दे चुके तो फिर नहीं नहीं बोल सकते ना, वो बैच लेनी पड़ी. तो साइमल्टेनियस कैसेट बजाना पड़ता था, तो 4 से 6 जो मैं पढ़ा रहा हूँ वापिस 6 से 8 ना डबल. और तब रिकॉर्डिंग वेकॉर्डिंग था नहीं, 2011-12 की बात कर रहा हूँ मैं, रिकॉर्डिंग था नहीं तो डबल. भला ये 1-2 दिन की बात नहीं, 3 महीने. मैं इसलिए एक बैच ही बोल रहा था, मेरे को नहीं चाहिए दूसरी बैच, क्यों तो डबल पढ़ाना और एग्जर्शन बहुत हो जाता है गले को भी. और दूसरा क्या रहता ना कि जब तक आप एंजॉय कर रहे हो तब तक प्रॉब्लम नहीं, वही चीज वापस रिपीट करना लगेज तुरंत, ये एक 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 टाइम के बाद में वो नको लगता है ऐसे. बट अब डिक्लेयर तो हो गया, इतने बच्चे आ गए तो चॉइस क्या था. फिर एक संडे को थोड़ा सा मेरा स्ट्रेस कम करने के लिए मैंने क्या सोचा है कि संडे का दिन है कंबाइन कर लेते बैच, वैसे भी संडे को बच्चे थोड़े कम रहते एबसेंट तो रहते ही है. एंड रेगुलर में दोपहर का टाइम था 4 से 6, 6 से 8 सवेरे बुला लिया 7 बजे. और उस दिन मैं बोला कि 7 से 10 3 घंटे लेंगे अपन कंबाइन बैच. मेरा प्रेजम्पशन क्या था 7 बजे बच्चे आएंगे नहीं, और वैसे भी संडे तो कम हो जाता है एब्सेंटिज्म रहता है. काय का क्या मेजर क्राउड आ गया. अब कैपेसिटी 400 की तो उसमें 550 बच्चे बैठेंगे कैसे, और 400 की कैपेसिटी बोलते तो एक बेंच पे 3 पकड़ के राइट. अब सब लोग ऐसे एकदम दुबले पतले रहेंगे जरूरी है ना, कुछ मेरे जैसे भी तो रहेंगे है ना, तो सब लोग तेरे जैसे थोड़े रहेंगे कि एक बेंच पे 4 लोग भी बैठ गए
है ना, 11-12 साल का तो लगता तू। सो पॉइंट इज, इतने लोग आ गए, अब आ गए तो क्या करने का, अब क्लास तो लेना जरूरी है। लिटरली तू जैसे बैठा नीचे अभी, जगह नहीं बोल के, सारे बच्चे स्टेज पे तक बैठे थे, स्टेज पे बड़ा डायस था वो क्लास में, बड़ा डायस। ये मेरे आजू बाजू में बोलते, मेरे को पैर हिलाने की भी जगह नहीं, अब कहाँ बैठेंगे, कहाँ नीचे बैठ गए, सब सब हो गया पूरा कंप्लीट। शायद फेसबुक पे फोटो भी है वो मेरे, कौन से तो भी प्रोफाइल के इसमें एक आधे कहीं तो भी है वो फोटो डाला हुआ उस दिन। तो बहुत बहुत ऐसा एकदम आज मेरे को वो याद आई, तो आके बैठ गया था यहाँ पे नीचे। एंड कभी कभी ना ते मनता ना दुष्कर 13वां महीना, राइट, बोल तो कभी कभी जब गड़बड़ होती है तो सारी गड़बड़ एक साथ ही होती है। एक दिन, एक तो उस दिन सारे लोग आना क्लास को, एंड कम ज्यादा को तब पुणे ब्रांच के इंस्टीट्यूट के यहाँ के ICI के ऑफिशियल जो सेक्रेटरी थे वो आए, उनको क्लास में कुछ अनाउंसमेंट करना था ICI की। अब वो दरवाजे में से मेरे को हाथ कर रहे, अभी नाम मेरे को जाने आ रहा उधर, अभी इतना पैर के कैसे जाने रहा है, ना मेरे को जाने आ रहा ना उनको बुलाने आ रहा, और वो फोन कर रहे उधर से। फिर मैंने फोन उठाया उनका, बोला हाँ सर, बोले मुझे अनाउंसमेंट करना है इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट का। फिर जैसे तैसे करके उनको ऐसे अंदर अंदर से कैसे कैसे करके स्टेज पे लाके अनाउंसमेंट किए। तो कभी कभी धिंगाना हो जाता लाइफ में बहुत बार होता है ऐसे, बोलते अपन जो सोचते हैं उसके बिल्कुल उल्टा होता है। मैं तो ये 7 बजे भी बैच इसलिए रखा था कि सबरे है, बच्चे कहाँ उठेंगे आएंगे क्या, राइट, वो उल्टा हो गया, सब आ गए सब लोग। अभी तो जगह है क्लास में, लेकिन ऊपर बैठ सकते हैं। इन द बुक्स ऑफ ब्लैक, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2021, हाफ पेज, यहाँ पे यूनिट्स वगैरह नहीं दिए शायद, यूनिट्स का कॉलम इग्नोर भी किया तो चलेगा। अच्छा, पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2021। ट्रेडिंग अकाउंट को ज़्यादा जगह नहीं लगेगी, क्यों तो मोस्ट ऑफ द आइटम्स विल बी कवर्ड इन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, जस्ट फॉर 5-6 लाइन्स बनाने का ना पी एंड एल। हाँ साथ में भी बना सकते, अब हेडिंग लिख दी मैंने तो बनाओ साथ में, कोई प्रॉब्लम नहीं, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल साथ में बनाओ, कोई इशू नहीं।
profit and loss account. Ten to 12 lines. Ready? Let's start. Be careful कि कहां कहां क्या क्या adjustments है. Salaries and wages unpaid है तो salaries और wages को mark करके रखो, inner column में लेना है. Rent को bifurcate करना है factory और office में. लाइटिंग को बाइफरकेट करना है, रेंट लाइटिंग, बाकी तो ठीक है. क्या बोल रहे? नहीं, प्लांट एंड मशीनरी और इस पे डेप्रिसिएशन है ना ऑफिस फर्नीचर पे, तो वो तो एनी में डेप्रिसिएशन बोल के आ जाएगा. बैलेंस शीट बनानी नहीं है ना, बैलेंस शीट कहाँ बोलिए बनाने को. बैलेंस शीट रहता तो एडजस्टमेंट का इफेक्ट था ना, इसलिए बोला नहीं. चलो करें स्टार्ट. यस, बी विथ मी गाइज. अच्छे से समझो कि कौन सा आइटम कहां जाने वाला है. पे अटेंशन फुल्ली. ऑन 31st March 2021 द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर ब्लैक वॉज एज फॉलोज. स्टॉक ऑन 1/4/2020 इट इज ओपनिंग स्टॉक. काय का ओपनिंग स्टॉक है? रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स. अब इसमें से रॉ मटेरियल एंड वर्क इन प्रोग्रेस का जो ओपनिंग स्टॉक है दैट विल कम इन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. इट विल कम इन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. बट एज फार एज फिनिश्ड गुड्स आर कंसर्न, फिनिश्ड गुड्स तो रेडी है ना, तो वो तो मतलब ओपनिंग स्टॉक में बोलते वो लास्ट ईयर ही रेडी थे, तो इस साल के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में वो आएंगे क्या? फिर वो उसका स्टॉक कहाँ लेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में लेंगे. मैं जितना लिख रहा हूं ना उतना ही लिखना, आगे मत जाना, अभी अपना दिमाग मत लगाना. राइट, अच्छे से समझ लो कि कैसे सॉल्व करना है. गो टू ट्रेडिंग अकाउंट. टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स. कितना है? 1,55,000. गुड मॉर्निंग उज्ज्वल. 1,55,000 फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग स्टॉक. मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट टू ओपनिंग WIP. कितना है ओपनिंग WIP? 95,000. रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक मैंने साथ में इसलिए नहीं लिख रहा हूं कि तो रॉ मटेरियल का हम कंजम्पशन दिखाते हैं. यहां कंजम्पशन में हम क्या करते? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. तो
टू कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, कहाँ पे? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। ओपनिंग स्टॉक हाउ मच? इनर कॉलम 2,10,000। एड कितने परचेसेस दिया हुआ है नीचे है देखो 8,50,000। सब टोटल लेस क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट्स में दिया हुआ है 162,000। आउटर कॉलम 8,90,000 आया। देन सन्ड्री डेटर्स आएंगे क्या यहां पे कहीं? बैलेंस शीट का आइटम है। कैरेज ऑन परचेसेस ट्रेडिंग नहीं बेटा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो गई ना, इट इज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ना। कैरेज ऑन परचेसेस रॉ मटेरियल परचेस किया उसके ऊपर का कैरेज, इट इज डायरेक्ट कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बोलो 15,000। बिल्स रिसीवेबल आएगा? नहीं आएगा। फिर वेजेस ट्रेडिंग नहीं, यहीं पे आएगा। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही है ना, वेजेस लेबर को पे हो रहा है वो। वेजेस किसको देते हैं अपन? लेबर को ना। ट्रेडिंग में क्यों लेते हैं? डायरेक्ट कॉस्ट इसलिए लेते हैं ना। तो अब जब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना रहे तो वहीं जाएगा ना वेजेस। इनर कॉलम इसलिए इनर कॉलम क्योंकि उसमें एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग का। सैलरीज कहाँ आएगा? सैलरीज आएगा पी एंड एल में। आ जाओ पी एंड एल में। इनर कॉलम वन लाइन ब्लैंक। टेलीफोन एंड पोस्टेज किधर? कुछ एडजस्टमेंट है तो आउटर कॉलम में लिख दो सीधा 10,000 रुपये। रिपेयर्स टू ऑफिस फर्नीचर पी एंड एल। कितना? 3,500। कैश एट बैंक आएगा? ऑफिस फर्नीचर रिपेयर्स टू प्लांट नहीं 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 रिपेयर्स टू प्लांट है। मैन्युफैक्चरिंग कितना है? रिपेयर्स टू प्लांट 11,000। परचेसेस ऑलरेडी आ गए, प्लांट एंड मशीनरी यहां नहीं आएगा। रेंट क्या लिखा है? रेंट नीचे एडजस्टमेंट है। रेंट इज टू बी चार्ज्ड एज 3/4 टू फैक्ट्री 1/4 टू ऑफिस। जो फैक्ट्री का रेंट कहां जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग में। टू रेंट करो कैलकुलेट 3/4
दिया कितना रेंज 60, तो 40 बचा हुआ रेंट किधर लेंगे? टू रेंट 15,000. लाइटिंग टू थर्ड बोला है फैक्ट्री का, बोलो टू थर्ड 9,000 और बचे हुए कहाँ आएंगे? कितना 4,500. जनरल एक्सपेंसेस किधर? टू जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट, टू जनरल एक्सपेंसेस कितने? 15,000. क्रेडिट आएंगे? नहीं. बिल्स पेएबल, सेल ऑफ स्क्रैप किधर? मैन्युफैक्चरिंग के क्रेडिट में बाय सेल ऑफ स्क्रैप, इट इज रिकवरी ऑफ कॉस्ट, कितना? 25,000. कमीशन रिसीव्ड P&L, जीपी के लिए एक लाइन छोड़ना, कितना है कमीशन रिसीव्ड? ट्रायल बैलेंस में RDDA, तो इट इज ओल्ड RDD. देखते क्या करना है इसका, एनीवे इसका इफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आएगा, RDD विल कम इन P&L ओनली, कीप इट पेंडिंग. कैपिटल अकाउंट आएगा क्या? सेल्स किधर? सेल्स कहाँ आएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट बाय सेल्स. $16,72,000. बैंक ओवरड्राफ्ट, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल. क्लोजिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक तो हम कंजम्पशन में कंसीडर कर चुके हैं. फिनिश्ड गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स. कितना है? 181,000. वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग स्टॉक मैन्युफैक्चरिंग के क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग WIP, कितना? 78,000. सैलरीज एंड वेजेस अनपेड फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021 वर 9,000 and 20,000. आउटस्टैंडिंग सैलरीज 9,000 है. P&L में इनर कॉलम में लिखा हुआ है एड $9,000. आउटर कॉलम वेजेस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में एड 20,000. आउटर कॉलम 1,50,000. बराबर. अब एक आंसर कंफर्म करना पड़ेगा. मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10% एंड ऑफिस फर्नीचर बाय 7.5%. नॉर्मल कोर्स में हम लोग क्या करते? डेप्रिसिएशन मशीन का रहो कुछ भी रहो, हम कहां लेते उसको? P&L में ही लेते. नॉर्मल कोर्स में उसको इनडायरेक्टली ट्रीट करते हैं.
राइट लेकिन अभी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाया है, प्लांटेड मशीनरी अगर इसमें यूज हुआ है तुम्हारे प्रोडक्शन प्रोसेस में, तो उसका डिप्रिसिएशन कहाँ जाना चाहिए? बोथ बोथ आंसर्स आर पॉसिबल, बोथ आंसर्स आर पॉसिबल। कंफर्म कर लो इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, समबड़ी कंफर्म इट। कहाँ पे लिया था? मैन्युफैक्चरिंग में लिया है, डायरेक्ट ट्रीट किया है। वो दोनों आंसर पॉसिबल है, क्योंकि नॉर्मल कोर्स में जब अपन प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं फाइनल अकाउंट्स के, तो कोई भी डिप्रिसिएशन रहो, मशीनरी रहो, प्लांट रहो, कुछ भी रहो, हम कहाँ लेते हैं उसको? पी एंड एल में लेते। लेकिन जब स्पेसिफिक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना रहे, तो उसको डायरेक्ट कॉस्ट ट्रीट किया है क्या आईसीआई ने, चेक कर लो एक बार। क्या, तो अगर डायरेक्ट कॉस्ट ट्रीट किया तो मशीनरी पे का डिप्रिसिएशन जाएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, ये इसका जो है डेप्रिसिएशन फर्नीचर का उसमें कोई डाउट नहीं, वो पी एंड एल में आने वाला है। और इसका क्या किया है, मैन्युफैक्चरिंग में लिया है, पक्का ना? सो इट इज ट्रीटेड एज डायरेक्ट कॉस्ट। मशीनरी कहाँ यूज हुई? प्रोडक्शन में ना, तो उसका डेप्रिसिएशन डायरेक्ट कॉस्ट ट्रीट करके मैन्युफैक्चरिंग में दिखाया है। टू, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी बोलो। 7 लाख रुपए का मशीनरी है, 7 लाख, 10%, 70,000। फर्नीचर कितना है? 1 लाख, उसके ऊपर 7.5%, 7,500। वेयर विल यू टेक दैट? पी एंड एल अकाउंट टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेड एट द रेट ऑफ 1% ऑफ सेल्स। 1% ऑफ सेल्स, सेल्स कितने हैं? तो 1%, 16,720। तो 16,720 मेरे न्यू आरईडी है। ओल्ड आरईडी कितना था जो पेंडिंग रखा है ट्रायल बैलेंस में? 16,500। तो न्यू आरईडी इज मोर देन ओल्ड आरईडी, तो मेरे को इंक्रीमेंटल प्रोविजन बनानी पड़ेगी ना। हाउ डू बी प्रेजेंट इट, लुक एट द स्क्रीन। पी एंड एल अकाउंट टू न्यू आरईडी 16,720 ना, 1% ऑन सेल्स 16,720 लेस ओल्ड आरईडी 16,720, आउटर कॉलम। सो इंक्रीमेंटल प्रोविजन कितनी करनी पड़ेगी इस साल डाउटफुल डेट्स की प्रोविजन? 220। झेपा, सबको समझा? आई थिंक बाकी के एडजस्टमेंट हम कर चुके हैं। रेंट, लाइटिंग हो चुका है। अब पहले आ जाओ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में बेटा बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ट्रांसफर्ड टू ट्रेडिंग अकाउंट एस्ट्रिस मार्क बैलेंसिंग फिगर पहले आप मेरे को टोटल बताओ। 12,90,000, 19,93, 12,93,000, 12,93,000 कितना आता है? 11,90,000, 11,90,000।
आया क्या? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज पर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ₹11,90,000। क्लोज ट्रेडिंग अकाउंट गेट द ग्रॉस प्रॉफिट, ₹18,53,000 इज द टोटल। ₹5,08,000 58 ना, पी एंड एल अकाउंट बाय ग्रॉस प्रॉफिट ₹5,08,000। To net profit asterisk mark balancing figure ₹512,500 is the total। सब लोग इंडिपेंडेंटली कैलकुलेट करो। बोलो बेटा, 347 780 आया? एवरीबॉडी नो डाउट? बैलेंस शीट पूछा नहीं, बना भी सकते थे अपन, और बोला नहीं इसलिए बनाया नहीं है, क्योंकि तो बाकी सारे टैली ट्रायल बैलेंस तो दिया ही है ना, एसेट्स पता है, कैपिटल दिया है, क्रेडिटर्स डेटर्स क्रेडिटर्स सब दिए हुए हैं, तो अगर बोलते तो बैलेंस शीट भी बनाने आ जाता। बनाने का क्या नहीं, नहीं हाँ। जिनको बनाना है होमवर्क, हाँ मेरे हिसाब से गलत नहीं होता, बट अब आईसीआई ने तूने कहाँ चेक किया था, सजेशन आंसर्स में कि मॉड्यूल में? हाँ वो ड्यूअल आंसर पॉसिबल होता है उसका, एक्चुअली नॉर्मल में भी जब अपन फाइनल अकाउंट बनाते हैं ना, नॉर्मल में फॉरगेट अबाउट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, नॉर्मल में भी जब बनाते हैं ना तो मशीनरी का डिप्रिसिएशन वैसे लॉजिकली ट्रेडिंग में ही जाना चाहिए ना, डायरेक्ट कॉस्ट है, बट हम लेते हो ट्रीटमेंट क्या देते हैं उसकी, पी एंड एल में लेते हैं, तो कहीं पे वो पी एंड एल में लेके भी आंसर लाते हैं, कहीं पे वो ट्रेडिंग में भी लेते हैं, तो इसलिए कंफर्म किया कि आईसीआई ने स्टैंड क्या लिया है। वो ठीक है ना, फिर नॉर्मल कोर्स में जब अपन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं बनाते तब मशीनरी कहाँ यूज होता है? अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल से एक एक्सपर्ट की बात करें, एक्सपर्ट की बात, अब एक्सपर्ट में जो एसी है या जो प्रोजेक्टर है हमारे लिए तो मशीन है ना रे, प्रोजेक्टर के बगैर कैसे सिखाऊं मैं? इन द प्रोसेस ऑफ रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज यूज हो रहा है ना वो, फिर अब इसका डिप्रिसिएशन डायरेक्ट ट्रीट करने का इनडायरेक्ट, एक ध्यान में तुमको प्रॉब्लम क्या होता है, केस टू केस बेसिस पे हो सकता है, बट इंस्टीट्यूट ने जैसे सजेस्टेड आंसर्स में देखा ना तुमने,
सजेस्टेड में भी दिया है, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में भी दिया है ना, तो इट इज बेटर मैन्युफैक्चर अकाउंट अगर बनाने को बोला है तो उसमें ले लो। लेट्स नॉट कॉन्ट्रडिक्ट आंसर विद आईसीआई। अल्टीमेटली क्या है ना, कई बार ऐसे होता है कि अपने को कुछ कुछ चीजें कैसी रहती जो ग्रॉस मिस्टेक करता है इंस्टीट्यूट, ग्रॉस मिस्टेक। जैसे आप बाकी लोगों को पता नहीं जो आज अटेंड कर रहे हैं टॉपिक, परसों जो इन्वेंट्री का सम सॉल्व किया था, कोई तुम्हारे पास डाउट लेके आया अभी तक? कौन आया था? कल तू ही आई थी ना। हाँ, ग्रॉस मिस्टेक है, ग्रॉस। सजेस्टेड आंसर में जो ग्रॉस मिस्टेक दिया है आईसीए ने, इसका कोई लॉजिक नहीं, बट किया है। अब ऐसे ग्रॉस मिस्टेक अगर है तो वो हम ग्रॉस उन्होंने किया बोल के अपन मिस्टेक नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ ड्यूअल आंसर पॉसिबल है, ड्यूअल पॉसिबिलिटी है, तो वहां फिर जो इंस्टीट्यूट ने स्टैंड लिया है वो लिया हुआ ज्यादा बेटर है। प्रॉब्लम नंबर कौन सा बाकी है अब? एक ही बाकी है ना, फिफ्थ सम। फॉलोइंग आर द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट एंड रॉ मटेरियल अकाउंट प्रोवाइडेड बाय मेसर्स शिवम रिलेटेड टू फाइनेंशियल ईयर 1920। देर आर सर्टन फिगर्स मिसिंग इन दीज अकाउंट्स। रॉ मटेरियल अकाउंट दिया है, क्रेडिटर्स अकाउंट दिया है और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी दिया है। सर्टन फिगर्स आर मिसिंग, जैसे रॉ मटेरियल में ओपनिंग स्टॉक दिया है, टू क्रेडिटर्स, टू क्रेडिटर्स बोलते परचेस, वो नहीं दिया, बाय रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड नहीं दिया है, क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं है। क्रेडिटर्स टू बैंक, टू बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट टू रॉ मटेरियल, टू वेजेस, टू डेप्रिसिएशन, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बाय ट्रेडिंग अकाउंट। एडिशनल इंफॉर्मेशन, परचेस ऑफ मशीनरी वर्थ 12 लाख ऑन 1 अप्रैल 2019 हैज बीन ओमिटेड, मशीनरी चार्जेबल एट अ डेप्रिसिएशन रेट ऑफ 15%। डेप्रिसिएशन ही नहीं लिया क्यों? तो मशीनरी परचेस हुई, वो मशीनरी परचेस ही अगर एरर ऑफ ओमिशन हो गया है, कंसिडर ही किया नहीं, तो उसका डिप्रिसिएशन भी नहीं आया। वो डिप्रिसिएशन लेंगे तो सारी चीजें चेंज हो जाएगी। अब वेजेस इंक्लूड द फॉलोइंग, पेड टू फैक्ट्री वर्कर्स 3,15,000 एंड पेड टू ऑफ लेबर एट ऑफिस 50,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो दिए उसका बाइफर्केशन है, इलेक्ट्रिसिटी 80,000 ऑफ विच 25% परटेन टू ऑफिस, फ्यूल चार्जेस 25,000, फ्रेट इनवर्ड 32,000, डिलीवरी चार्जेस टू कस्टमर्स, व्हाट डू मीन बाय डिलीवरी चार्जेस टू कस्टमर्स? कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? इनडायरेक्ट है, इट गोज टू पी एंड एल अकाउंट। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिवाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एंड रॉ मटेरियल अकाउंट। ये सारे करेक्शंस करके बनाने का है 10 मार्क। जिसको कंसेप्चुअली अकाउंट समझ में आता है, जिसने दिमाग से सीखा हुआ है, उसको जम जाएगा। मैकेनिकली अगर कॉपी शिफ्ट करने का काम किया है तो नहीं जमता, डिफिकल्ट नहीं है, इट्स इजी ओनली, बट जो इफेक्ट्स दिए वो सारे इफेक्ट्स बराबर कैलकुलेट करने पड़ेंगे अपने को। चला, प्रॉब्लम नंबर फिफ्थ, पेज नंबर 19। इन द बुक्स ऑफ मेसर शिवम, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट
raw material account. बनाए जो दो अकाउंट बोले थे वो, लेकिन प्रॉब्लम में और एक अकाउंट दिया हुआ है, वो अपन वर्किंग नोट बोल के बनाएंगे क्योंकि उन्होंने वो बनाने को बोला नहीं है, बट उसका यूज होने वाला है। क्रेडिटर्स का अकाउंट दिया है, देखो क्रेडिटर्स अकाउंट बनाया, करे स्टार्ट। दिया हुआ क्रेडिटर्स का अकाउंट देखो, दिया हुआ प्रॉब्लम में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, फिफ्टीन लाख। ये ओपनिंग बैलेंस है क्रेडिटर्स का। डेबिट साइड में टू बैंक है, बोलते एंट्री क्या पास हुई रे, टू बैंक बोलते क्रेडिटर्स के डेबिट में, क्रेडिटर्स टू बोलते बोलते कौन सा ट्रांजेक्शन है, ये पेमेंट टू क्रेडिटर्स है, ये क्रेडिटर्स टू बैंक। एंड देन क्लोजिंग बैलेंस भी दिया है, सिक्स लैक्स सिक्सटी थाउजेंड। इंस्टेड ऑफ मी एक्सप्लेनिंग यू व्हाट इज टू बी डन, टेक योर ओन टाइम, 15-20 सेकेंड क्रेडिटर्स अकाउंट पे फोकस करके सोचो कि क्रेडिटर्स अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, पेमेंट टू क्रेडिटर्स भी दिया है, क्या मिसिंग है, आउटस्टैंडिंग मतलब देना कितना बाकी, वो तो आ गया ना क्लोजिंग बैलेंस 6,60,000। परचेसेस, क्रेडिटर्स में क्या मिसिंग है, परचेसेस, तुम लगाओ दिमाग तुमको समझेगा। ये देखो पेमेंट कितना हुआ क्रेडिटर्स को, 23,50,000, और पेएबल कितना है बोल तो, टोटल पेएबल कितना हो गया उनको, पे प्लस पेएबल, ये टोटल कितना आता है
30,10,000 उनको टोटल पेएबल हो गया ना, इसमें से पिछले साल का कितना देना बाकी था? 15,17,000। बोल तो बचा हुआ जो है वो इस साल का पेएबल है ना, इस साल का पेएबल हो तो उतना परचेस हुआ रहेगा तभी पेएबल है ना। क्रेडिटर्स बहुत अच्छे लगे बोल के उनको पेमेंट दे रहे क्या है? क्रेडिटर्स हमारे ससुर जी है क्या? तो भी नहीं देते इतना। पॉइंट ये है कि क्रेडिटर्स को पेमेंट दे रहे या आउटस्टैंडिंग बैलेंस दिखा रहे तो किस बात का है? उनसे गुड्स परचेस हुए ना, तो क्या एंट्री होती है? परचेसेस फ्रॉम क्रेडिटर्स, परचेसेस टू क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स अकाउंट में क्या मिसिंग है? बाय परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल टू बी मोर स्पेसिफिक, एस्ट्रिस मार्क बैलेंसिंग फिगर 14,40,000, करेक्ट? 14,40,000, ये पा गया सबको? अब रॉ मटेरियल अकाउंट में आओ। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 1,27,000। टू ओपनिंग स्टॉक 1,27,000। टू क्रेडिटर्स बोल तो परचेसेस अभी ढूंढा हमने 14,40,000 बराबर। क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग है, प्रॉब्लम यह है। क्लोजिंग स्टॉक अगर मिसिंग नहीं रहता तो मैं कंजम्पशन ढूंढ सकता था, बट ये मिसिंग है। अब क्लोजिंग स्टॉक भी मिसिंग है एंड कंजम्पशन भी मिसिंग है, तो बेटा दो फिगर्स मिसिंग हो गए ना इस अकाउंट में। और जब किसी अकाउंट में दो फिगर्स मिसिंग है तो कैन वी क्लोज दैट अकाउंट? नहीं क्लोज कर सकता मैं। एक फिगर मिसिंग रहेगा तो बैलेंसिंग फिगर ले लूंगा मैं, जैसे हमने इधर किया क्रेडिटर्स में। लेकिन रॉ मटेरियल अकाउंट में अभी क्लोज नहीं कर सकता, क्यों? तो दो फिगर्स मिसिंग है। कौन से? क्लोजिंग स्टॉक एंड कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल। लिख के रख देता हूं मैं, सिर्फ दो फिगर्स मिसिंग है। जब दो फिगर्स मिसिंग है तो आई कांट क्लोज दिस अकाउंट, नहीं क्लोज कर सकते, तो अभी के लिए छोड़ दो उसको, पेंडिंग रखो। अब इधर आओ, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आ जाओ। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या है? मैन्युफैक्चरिंग में कंजम्पशन आता है रॉ मटेरियल का, अब वो भी मिसिंग, इधर भी मिसिंग है, बोल तो ढूंढना ही पड़ेगा अपने को, बराबर ना? अच्छा, रॉ मटेरियल कंजम्पशन मिसिंग है, ढूंढेंगे अपन। कीप इट ब्लैंक, मालूम नहीं अभी अपने को कितना है। जो वेजेस दिए हुए हैं वो सही है क्या? कितने हैं? 365 है। तो अगर वो 365 है तो उसका बाइफर्केशन नीचे सेकेंड एडजस्टमेंट में, वेजेस इंक्लूड फॉलोइंग, पेड टू फैक्ट्री वर्कर्स एंड पेड टू लेबर एट ऑफिस। ऑफिस के जो है वेजेस वो तो यार इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया ना, तो यहां मैन्युफैक्चरिंग में आना चाहिए क्या? नहीं आना चाहिए, तो उतना लेस करके दिखाऊंगा मैं। तो ब्रैकेट में लिखो पेड टू फैक्ट्री वर्कर्स, कितना लू? 3,15,000। वॉट अबाउट डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन भी मजा हुई है,
ओरिजिनली जो दिया 2,15,000 वो तो है, बट फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या बोल रहे हैं, परचेस ऑफ मशीनरी वर्थ 12 lakhs ऑन 1st April 2019 हैज बीन ओमिटेड, मशीनरी चार्जेबल एट डेप्रिसिएशन रेट ऑफ 15%, तो ये 12 lakh पे 15% बोला तो 1,80,000 बढ़ाना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। एक काम करो आप, रुपीज ओरिजिनली कितना था, 2,15,000 प्लस 1,80,000, इसकी वर्किंग देने की जरूरत है 1,80 के, हाँ धन में आ गया ना, 12 lakh का एडिशनल मशीनरी है जिसके ऊपर 15% कितना हो गया फिर, अभी 3,95,000। अब जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसमें बाइफर्केशन है, जो जो है अपने लिए रिलेटेड वो ले लो, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पहले तो देखो, पूरा बाइफर्केशन दिया है क्या, कैलसी पे लो तो जरा, 80,000 प्लस 25,000 प्लस 32,000 एंड प्लस 22,000 1,159 ना, जबकि है कितना एक्चुअल में 249 है, आया क्या ध्यान में, वो तो बचा हुआ लेना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है ये, क्या बोला समझा गया तुमको, मैन्युफैक्चरिंग के डेबिट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने दिए 249 दिए, और नीचे बाइफर्केशन देखते वक्त कितने का दिया हुआ है, तो ये छोड़ के और भी खर्चे हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितने लेंगे, जगह का शॉर्टफॉल आ सकता है, तो हाँ इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 60,000 ही लूंगा मैं, फिर फ्यूल चार्जेस कहाँ आएंगे, यही आएगा डायरेक्ट में ही, फ्यूल 20। व्हाट अबाउट फ्रेट इनवॉल्वड, कितना डिलीवरी चार्जेस, तो कस्टमर्स आएंगे नहीं, अब बच गए कितने, टोटल 249 थे, 249 में से अभी कंसीडर कितने हो गए सब मिला के 159, ये टोटल मत करो रे, वो जो बाइफर्केशन दिया डायरेक्ट एक्सपेंसेस का वो पूरा लो, तो और कितने हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अब कुछ नहीं बोला तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है बचे हुए, टू अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ब्रैकेट में कैलकुलेशन दिखाओ, रुपीज 2,49,000 माइनस 159, अब ये 159 कैसे आया समझा क्या, कितना आएगा 90,000, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है एग्जाम में, अपन क्या करते हैं, अपने को लगता है कि वो ऊपर दिए हुए डायरेक्ट एक्सपेंसेस का बाइफर्केशन पूरा दिया है, पूरा बाइफर्केशन नहीं है वो, तो जो बच गए वो आदर नहीं लिए तो पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा, क्या बोला समझा क्या, समझा क्या, अब अगेन यहाँ पे प्रॉब्लम है यार, नहीं नहीं अब यहाँ पे भी दो फिगर मिसिंग है बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट, अब ये जो दिया हुआ है 1744 ये प्रॉब्लम में दिया हुआ 17,44,000 इज दैट राइट, वो सही है क्या, उसमें तो अभी हमने एडजस्टमेंट किया ना अलग अलग, फिर वो भी गलत है, तो वो भी मिसिंग है, एंड कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल भी मिसिंग है, अब वापस यहां पे भी दो फिगर मिसिंग है, अब ये भी अकाउंट क्लोज नहीं हो सकता, क्या करें, छोड़ दे यहां पे कितने मार्क का क्वेश्चन है 10 मार्क, फिर तुमने इतना किया तो 2 मार्क मिलते, हाँ तो मेन पार्टी बाकी है
मेन आंसर क्या पूछा हुआ आपने, वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एंड रॉ मटेरियल, तुम्हारे दोनों भी बाकी है ना अभी तक तो तुमने क्या किया, अरे दी हुई सिर्फ इंफॉर्मेशन का पोस्टिंग किया है, अब तो मेन दिमाग लगाना है। मस्त क्वेश्चन था लेकिन एग्जाम में क्या करे। बेसिकली ही इज राइट व्हाट ही इज सेइंग, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में बाय ट्रेडिंग अकाउंट कितना गया ओरिजिनली वो दिया है ना 17,44,000, वो गलत है, वो गलत है, बट क्या गलत है अपने को पता है ना, तो कैन वी करेक्ट इट एंड करेक्ट करके फिर वो ले लिया तो काम हो जाएगा ना। क्यों तो बेटा जैसे ही मैं ट्रेडिंग अकाउंट को कितना बैलेंस गया वो ढूंढ लूंगा, रॉ मटेरियल का कंजम्पशन बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, रॉ मटेरियल का कंजम्पशन बैलेंसिंग फिगर आया कि नीचे रॉ मटेरियल का अकाउंट भी कंप्लीट हो जाएगा एंड आर आंसर विल बी रेडी। समझ में आ रहा है? वर्किंग नोट। Calculation of cost of production to be transferred to trading account. राइट हैंड साइड कॉर्नर रुपीज। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ब्रैकेट एज गिवन इन द प्रॉब्लम, एज गिवन कितना दिया हुआ है, $17,44, बट ये सही था क्या? अब इसमें क्या क्या एडजस्टमेंट करने मेरे को बताओ। पहले तो ऐड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी परचेस्ड on 1/4/19 15% on rupees 12 lakhs, 1 lakh। मुझे लगता है एडिशन एक ही है ना, बाकी तो लेसे होने वाले। सब टोटल 1924, तो डिप्रिसिएशन की वजह से कॉस्ट बढ़ेगी, लेकिन हुआ ये कि एग्जिस्टिंग जो कॉस्ट दिया हुआ है उसमें कुछ खर्चे ऐसे हैं जो डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट है, तो वो अपने को यहां से लेस करने पड़ेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से। लेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, under that wages paid to labor at kitna inner column 50,000, number 2 electricity charges pertaining to office
कितने वो 20,000 और ट्वेंटी हो गया आउटर कॉलम 90 एंड देयरफॉर एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन to be transferred to trading account 18,32,000 आया क्या सबका आया ये वर्किंग सबको समझ में आया गो टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बाय ट्रेडिंग अकाउंट ब्रैकेट में लिखो रेफर वर्किंग नोट नंबर टू सेकेंड है ना वो कितना आया वो 1832. Now can I close this? If I can close this, balancing figure will be consumption of raw material आ जाएगा. करो calculate consumption of raw material. 9,15,000. 9,15,000. आया सबका रॉ मटेरियल अकाउंट बाय कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल 9,15,000 My closing stock asterisk mark balancing figure 1567 is the total bolo beta 650 652,000 10 mark ke liye tha ye question हो गया क्या yes, सबका एवरीबडी फिनिश्ड इट समझ में आया सबको ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्या किया समझा बेटा आपको यस सर ओके बिफोर वी कंक्लूड दिस टॉपिक एंड स्टार्ट विथ न्यू टॉपिक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो डिस्कस करना है लिखो इंपॉर्टेंट नोट प्रॉब्लम सारे हो गए ना रे आठ के आठ हाँ सारे एग्जाम प्रॉब्लम भी कवर्ड है
इंपॉर्टेंट नोट. लिखो, यूजुअली क्लोजिंग स्टॉक at the end of the year is given as an adjustment and being adjustment it is given two effects, that is it is credited to trading account and it is shown on the asset side of the balance sheet. Full stop. Next line. However, if closing stock is already appearing in trial balance, comma, it means it is already accounted that is it is reduced from the purchases. Full stop. In other words, when closing stock
is appearing in trial balance, when closing stock is appearing in trial balance, comma, the figure of purchases appearing in trial balance is after deduction of closing stock. Full stop. As it is appearing in trial balance, it is given single effect that is shown on the asset side of the balance sheet, क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है? रेगुलर बैच में मैंने कल ही सिखाया, राइट? लेकिन जो लोग अभी ये रिवीजन बैच के पार्ट है, आप लोग अच्छे से समझो. नॉर्मली हम लोगों ने क्या देखा हुआ है कि क्लोजिंग स्टॉक अपीयर्स एज एन एडजस्टमेंट, और एडजस्टमेंट बोल के अगर आया है तो क्या इफेक्ट देते हैं हम लोग ट्रेडिंग के क्रेडिट में, क्यों तो दोज आर द अनसोल्ड गुड्स एट द एंड ऑफ द ईयर. ट्रेडिंग के क्रेडिट में बैलेंस शीट के एसेट साइड में अपना एसेट है. लेकिन अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस का आइटम बोल के आया, क्लोजिंग स्टॉक नॉर्मली ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक आता है यूजुअली, बट अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस का आइटम है तो ट्रायल बैलेंस में तो तभी आ सकता है जब वो अकाउंटेड है. व्हाट इज ट्रायल बैलेंस गाइस? समरी ऑफ क्लोजिंग लेजर बैलेंसेस. तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट में क्लोजिंग लेजर बैलेंस आया रहेगा तभी वो आया ना ट्रायल बैलेंस में. अब क्लोजिंग स्टॉक में ऑब्वियसली डेबिट बैलेंस आता है, एसेट है तो उसमें डेबिट बैलेंस ही आएगा. तो वो डेबिट बैलेंस आया है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट में तभी वो ट्रायल बैलेंस में आए हैं. अब वो डेबिट बैलेंस आया बोल तो अकाउंटेड हो ना, वो तो फाइनल अकाउंट बनने के पहले ही क्लोजिंग स्टॉक का अकाउंटिंग कर दिया था. तो क्या एंट्री होती है क्लोजिंग स्टॉक की? हमने जो सीखी है फाइनल अकाउंट में वो है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट. बट अभी तक तो ट्रेडिंग अकाउंट बना ही नहीं, क्यों तो फाइनल अकाउंट बने नहीं अभी तक. तो इंस्टेड ऑफ क्रेडिटिंग इट टू ट्रेडिंग अकाउंट इट इज रिड्यूस्ड फ्रॉम परचेसेस में से लेस करते हैं, क्यों तो उतने से मेरा परचेस इस साल कम कंसीडर करना चाहिए ना, क्यों तो ये अनसोल्ड गुड्स है. आया क्या ध्यान में? तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आया बोल तो एंट्री के पास भी रहनी चाहिए. क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट, एग्जैक्टली. तो ये एंट्री अगर हुई हुई है तो इसका मतलब दी हुई परचेस की फिगर क्लोजिंग स्टॉक लेस करके आई हुई फिगर है. आया क्या ध्यान में? राइट. सो उस केस में बेटा अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आया है तो एक तो ये ध्यान में रखना है कि परचेस की फिगर आफ्टर डिडक्टिंग क्लोजिंग स्टॉक है, एंड दूसरा ट्रायल बैलेंस में आया बोल तो एक इफेक्ट देना है, और वो इफेक्ट क्या है तुम्हारा? बैलेंस शीट एसेट साइड.
वैसे एकदम छोटे बच्चों को सिखाया जैसा है, लेकिन फिर भी बताना जरूरी है, बता देता हूँ, इम्पोर्टेंट है इसलिए। फिर सर ट्रेडिंग के क्रेडिट में तो नहीं आया ना? ट्रेडिंग के क्रेडिट में आने की जरूरत ही नहीं है, परचेस में से लेस हो गया है। और परचेस में से लेस होना क्या, ट्रेडिंग के क्रेडिट में आना क्या, इट इज वन एंड द सेम। तो परचेस में से लेस हुआ बोल तो ट्रेडिंग के डेबिट में से कम हो गया ना वो। अब ट्रेडिंग के डेबिट में से कम होने के बजाय अपन क्रेडिट में लिख रहे थे, तो क्रेडिट में लिखने के बजाय अभी क्या हुआ है, परचेस में से वो तो डेबिट में से कम हो गया, वो तो इफेक्ट हो गया, तो ट्रेडिंग का इफेक्ट ऑलरेडी आ गया, फिर कौन सा बचा, एसेट साइड का, तो वो एक इफेक्ट दिया जाता है। दिमाग में गया? तो अगर क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट बोल क्या आया, तो दो इफेक्ट्स, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड। बट इफ इट अपियर्स एज एन आइटम ऑफ ट्रायल बैलेंस, देन इट इज ऑलरेडी एडजस्टेड इन ट्रेडिंग अकाउंट। हाउ? इट इज रिड्यूस्ड फ्रॉम परचेस, ऑलरेडी लेस हो चुका है परचेस, फिर से मत करना, ऑलरेडी इट इज रिड्यूस्ड फ्रॉम परचेसेस, तभी वो ट्रायल बैलेंस में आया है, तो परचेस में उसका इफेक्ट जा चुका है, फिर अभी एक ही इफेक्ट देना है क्या, बैलेंस शीट एसेट साइड। कई बार समझाने के बावजूद और एक गलती कॉमनली जो देखी गई है बच्चों की, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। अपने को क्या आदत है, एक इफेक्ट पी एंड एल में, दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में। अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है तो पी एंड एल में एड, एंड बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में। प्रीपेड है तो पी एंड एल में लेस, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। बट बेटा आईसीआई ना कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस नहीं पूछता, आईसीआई भी बहुत गुगली डालते रहता बीच बीच में। आपको ना प्रीपेड इंश्योरेंस देंगे प्रॉब्लम में, बट एडजस्टमेंट में नहीं, ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड इंश्योरेंस दे दिया बोलते वो ऑलरेडी अकाउंटेड है, ऑलरेडी अकाउंटेड है बोलते वो इंश्योरेंस में से ऑलरेडी लॉस हो चुका है, तो उसका एक ही इफेक्ट जाएगा, बैलेंस शीट एसेट साइड। ये कॉमन मिस्टेक है बच्चों की, बच्चे वापस डबल इफेक्ट देते उसका, डबल इफेक्ट दिया कि बैलेंस शीट टैलिश नहीं होता, क्योंकि ट्रायल बैलेंस आइटम है, ट्रायल बैलेंस का एक ही इफेक्ट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तुमको आउटस्टैंडिंग सैलरी ट्रायल बैलेंस में दे दिया, आउटस्टैंडिंग सैलरी एक ही इफेक्ट लाइबिलिटी साइड में, क्यों, ट्रायल बैलेंस में आया बोलते ऑलरेडी वो सैलरी में आ, तभी वो ट्रायल बैलेंस में आया, तो फिर से ऐड करेंगे क्या, नहीं कहते नक्की। तो ट्रायल बैलेंस आइटम्स के सिंगल इफेक्ट देने याद रखो। एनी क्वेश्चंस गाइस, पक्का? अभी है 10 मिनट का टाइम इस लेक्चर में, लेकिन नया टॉपिक स्टार्ट करना है, कोई बात नहीं, वी विल स्टार्ट द न्यू टॉपिक इन नेक्स्ट लेक्चर। वैसे जो जीडीपीडी पे देख रहे हैं आप लोग, आप नेक्स्ट लेक्चर आपके शेड्यूल के हिसाब से देखो, बट यहाँ जो लाइव में अभी बैठे हुए या ऑनलाइन भी जो है, टेक अ शॉर्ट ब्रेक ऑफ 15 मिनट्स एंड इमीडिएटली वी आर स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट लेक्चर विद न्यू टॉपिक सेल ऑन अप्रूवल। सी यू इन 10 मिनट्स। थैंक यू।